बिहार जन समय न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आरती शर्मा। दिन भर के विस्तार से खबरों को जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीवन रेखा लाइफलाइन करेगी रोगियों का उपचार। स्काउट गाइड द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम आयोजित। चुनावी रणनीति की बैठक में उजागर हुई कमजोरी। आहोर का थुम्बा ग्राम 10 वर्ष से पानी को मोहताज। ऊर्जा मंत्री ने किया सेवाड़िया पशु मेला का उद्घाटन। 11 केवी विद्युत लाइन ने गरीब का आसियाना किया खाक। विभाग की लापरवाही से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ। ऊर्जा मंत्री के हाथों उप अधीक्षक कार्यालय उद्घाटित। नवरात्रा को लेकर महिला मोर्चा ने किया कन्या पूजन। विभिन्न कार्यक्रम संग मनेगा हनुमान महोत्सव। थुम्बा गांव से सियाणा खेतलाजी पैदल संग रवाना। सिलावटी वाहन रैली को लेकर पोस्टर का हुआ विमोचन। गर्मी को देखते हुए पंखा व पानी कैन भेंट। उनड़ी में 8वीं के विद्यार्थियों को दी विदाई। जीएसटी व ई बिल की कार्यशाला में किया शंका समाधान। चेन्नई क्रिकेट प्रतियोगिता में माफिया क्रिकेट क्लब विजयी। समाचार विस्तार से। जीवन रेखा लाइफलाइन करेगी रोगियों का उपचार। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार लाइफलाइन जीवन रेखा एक्सप्रेस का मंगलवार को जिला कलेक्टर बाबूलाल कोठारी ने शुभारंभ किया। इस एक्सप्रेस में मरीजों का एक माह तक निशुल्क उपचार होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन जिला सार्वजनिक चिकित्सालय में आउटडोर समय में होगा। इस एक्सप्रेस में कैंसर, पथरी सहित अन्य रोगों का उपचार होगा। स्काउट गाइड द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम आयोजित। जिला मुख्यालय जालौर पर राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड द्वारा पर्यावरण चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण व स्काउट खेलकूद गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी सीईओ निशु कंवर, स्काउट गाइड के अधिकारी व स्काउट गाइड मौजूद थे। चुनावी रणनीति की बैठक में उजागर हुई कमजोरी। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा ने पुनः सरकार बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में भीनमा से अरविंद सिंह की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को स्थानीय महेश्वर महादेव मंदिर में बिजली मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत, प्रधान धुकाराम राज पुरोहित व नगर अध्यक्ष भरत सिंह भोजाणी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। इस दौरान मंत्री भी अपना आपा खो बैठे। मंत्री ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने की बजाय सामंती नीति अपनाने की कोशिश करते हुए भाजपा समर्थित सरपंचों को बैठक से बाहर का रास्ता दिखाकर कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता ने आरोपी की झंडी लगानी प्रारंभ कर दी। कार्यकर्ता बोले, मंत्री और जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं की बातों को सुनते तक नहीं है। अधिकारी व कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाजपा के लोगों का कार्य तक नहीं होता है। आहोर का थुम्बा ग्राम 10 वर्ष से पानी को मोहताज। आहोर से जसराज पुच्छल की रिपोर्ट के अनुसार जिले के आहोर तहसील के पादरली ग्राम पंचायत के थुम्बा गांव में करीब 10 साल से पानी की समस्या चल रही है। पीने के पानी हेतु लोगों को मुंह मांगे दामों में टैंकरों को मंगाना पड़ता है और मवेशियों के लिए पानी लाना मुश्किल हो गया है। गाँव में पानी खारी होने से कपड़े बर्तन साफ नहीं धो सकते हैं। वही स्कूलों में बच्चों को पानी पीने के लिए घर से बोतल भर के ले जाना पड़ता है। साल से इस थुम्बा में मेरी पोस्टिंग हुई है और यहाँ पे जो टांका बना हुआ है उसमें भी पानी नहीं है और पोषाहार के लिए हमारे स्कूल में पानी बाहर से लाना पड़ता है। बच्चे बड़े परेशान होते हैं, पीने के लिए भी पानी नहीं है। बच्चे बार बार बोतल भर भर के लाते हैं। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। पोषाहार बनाने के लिए भी एक दूसरे के घर से पानी लाना पड़ता है। समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों व प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, जिस पर पाइपलाइन तो 3 वर्ष पूर्व चित बिछा दी गई, लेकिन उसमें पानी का प्रवाह अभी तक नहीं हो पाया है। ऊर्जा मंत्री ने किया सेवाड़िया पशु मेला का उद्घाटन। रानीवाड़ा से रविंद्र सिंह उमट की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर सेवाड़िया में आपेश्वर पशु मेला का शुभारंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत थे, जबकि अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने की। मेले का शुभारंभ अतिथियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना व ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ किया। वहीं मुख्य अतिथियों द्वारा गोवंशों को तिलक लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह में मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि मारवाड़ी नस्ल के गोवंश से प्राचीन काल से अपनी अनूठी पहचान के कारण आपेश्वर पशु मेला प्रसिद्ध है।
मेले से आपसी प्रेम भाव बढ़ता है, वहीं मेले राजस्थान की संस्कृति के प्रतीक है। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मेलों से पशु प्रेमियों को सभी नस्लों के पशु एक जगह उपलब्ध हो सकते हैं। 11 केवी विद्युत लाइन ने गरीब का आसियाना किया खाक। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार साला तहसील के ओटवाला ग्राम में स्थित एक झोपड़ी के ऊपर से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन शॉर्ट सर्किट कारणों से आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ओटवाला निवासिनी नाथाराम पुत्र कालाजी जोगी, जो कि कल्याण सिंह पुरोहित के यहाँ मजदूरी करता है, जिसकी झोपड़ी के ऊपर से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने के कारण लगभग 62,000 नकदी, 60,000 के चांदी के जेवरात व 5,000 के शादी के कपड़े सहित घरेलू सामान सहित काफी सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामवासी सुजान सिंह पुरोहित, हेर सिंह, दिनेश सिंह दहिया, सोमाराम, भोनाराम सहित दर्जनों लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग को पानी से बुझाया। पीड़ित नाथाराम जोगी के 5 पुत्रियां व 2 पुत्र है और पीड़ित इस आपदा के घटित के कारण मानसिक रूप से तनावग्रस्त है। ग्रामीणों ने अग्नि पीड़िता नाथाराम जोगी के प्रति सहानुभूति रखते हुए प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। श्री हनुमान जयंती के पावन पर्व एवं एक शाम शंभु प्रकटित गोलाशन हनुमान जी के नाम विशाल भजन संध्या दिनांक 30 मार्च 2018 शुक्रवार शाम 8 बजे पावन सानिध्य परम श्रद्धे गोरीशी स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा श्री 1008 महंत संतोष पुरी जी महाराज होती गांव श्री 1008 महंत नेमिनाथ जी महाराज कमालपुरा गायक कलाकार आकाशवाणी बाल कलाकार एवं अनिल नागोरी एंड पार्टी सुभाष पंडित सांचोर आयोजक श्री गोलासन हनुमान मंदिर सेवा संस्थान सौजन्य अनिल कुमार रामजी राज पुरोहित गोलासन सांचोर स्थान गोलासन सांचोर जालोर राजस्थान। फर्श किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स नारायण पथ मानपुरा कॉलोनी जालोर। जैन कंस्ट्रक्शन जालोर, संपर्क करें भवन निर्माण हो या रिकंस्ट्रक्शन, ऑफिस निर्माण हो या व्यवसायिक भवन, या करवाना हो इंटीरियर डेकोरेशन, हमारी स्पेशलिटी चाइना टुकड़ी। विश्वसनीय कार्य के लिए हमसे संपर्क करें प्रोप्राइटर महेश जैन, रमेश चौथा, जैन कंस्ट्रक्शन पार्क के सामने शिवाजी नगर जालोर, मोबाइल नंबर 9421219192 या 9929445707। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विभाग की लापरवाही से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ। बागुड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार जिसावास गांव में जलदाय विभाग कार्मिक की लापरवाही के चलते कई दिनों से कोरी धुएसा जाने वाले मार्ग पर लाइन में लीकेज से सैकड़ों लीटर पीने का पानी फिजूल में बह रहा है। पिछले कई दिनों से जलदाय विभाग की जलापूर्ति लाइन में लीकेज को ठीक नहीं करने से आपूर्ति के दौरान सैकड़ों लीटर पानी फिजूल में ही बहता रहा है। वही पानी बहने से हाल में बनी ग्रेवल सड़क खड्डों में तब्दील हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते गर्मी के इस मौसम में जीएलआर पानी की आपूर्ति नहीं होने से नाकारा साबित हो रहे हैं, उसके बाद भी लीकेज दुरुस्त नहीं किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के हाथों उप अधीक्षक कार्यालय उद्घाटित। रानीवाड़ा से रविंद्र सिंह ओमट की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय पर सेवाड़िया आपेश्वर महादेव मंदिर के सामने नवनिर्मित पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ राजस्थान ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष उक सिंह परमार सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी व पुलिस कार्मिक मौजूद थे।
नवरात्रा को लेकर महिला मोर्चा ने किया कन्या पूजन। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा के निर्देश पर स्थानीय मोर्चा की पदाधिकारियों की ओर से रामनवमी पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व जोधपुर देहात प्रभारी मंजू सोलंकी ने बताया कि मोर्चा की ओर से नवाचार के तहत एक निजी भवन में 21 कन्याओं का तिलक लगाकर पूजन किया गया। वहीं उन्हें माता शक्ति का रूप मानकर भोजन भी करवाया गया। इस दौरान कन्याओं को फल उपहार देकर व माला पहनाकर दक्षिणा भी दी गई। मंजू सोलंकी ने बताया कि मोर्चा की ओर से किए गए कन्या पूजन का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना व बेटियों के प्रति जागरूकता लाना है। इस अवसर पर महिला मोर्चा की रीना शुक्ला, अंजना सोलंकी, मुन्नी देवी, चेमू देवी व संगीता देवी समेत अन्य कई महिलाएं मौजूद थी। ज्ञात रहे कि मंजू सोलंकी वर्तमान में नगर परिषद जालोर में उपसभापति के पद पर भी अपनी सेवाएं जनता को दे रही है। वही सोलंकी हमेशा समाज सेविका के साथ राजनीति के क्षेत्र में जनहित के लिए दबंगता के साथ आगे आती है। विभिन्न कार्यक्रम संग बनेगा हनुमान जन्मोत्सव। सांचौर से अनिल राज पुरोहित के अनुसार उपखंड मुख्यालय सांचौर के दक्षिण दिशा गोलासन में विराजमान स्वयंभू प्राकट्य हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर 30 मार्च शुक्रवार को शाम 8 बजे गो ऋषि दत्त शरणानंद महाराज, परम पूज्य संतोषपुरी महाराज एवं परम पूज्य नेमिनाथ महाराज के पावन सानिध्य में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध बाल आकाशवाणी बाल कलाकार अनिल नागौरी एवं सुभाष पंडित सांचौर अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं बालोतरा के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भव्य झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रातःकाल में संतों के सानिध्य व पंडितों द्वारा हनुमान जी का षोडशोपचार पूजन, रुद्राभिषेक एवं सुंदरकांड का आयोजन होगा। साथ ही समस्त हनुमान भक्तगण एवं श्री हनुमान मंदिर सेवा संस्थान द्वारा 551 किलो चूरमे का रोट बनाकर हनुमान जी को भोग भी लगाया जाएगा। कुंभागांव से सियाणा खेतला जी पैदल संग रवाना। जसराज पुच्छल की रिपोर्ट के अनुसार 28 मार्च को भोपाजी भूरजी व भोपाजी दूदाजी के सानिध्य में एक शाम खेतलाजी के नाम रात्रि भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रातः मां आरती व खेतलाजी की जय जयकार के साथ पैदल संघ सियाणा खेतलाजी महाराज के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस दौरान संघ में श्रद्धालुगण झूमते नाचते खेतलाजी महाराज के जयकार लगाते हुए रवाना हुए। संघ में वरदा राम, चूना राम, कालू राम, रूपा राम सहित कई भक्तगण सम्मिलित थे। सिलावटी वाहन रैली को लेकर पोस्टर का हुआ विमोचन। ध्यानचंद दादालिया सियाणा के साथ कांतिलाल मेघवाल उम्मीदाबाद की रिपोर्ट के अनुसार आहोर के भारत विद्या मंदिर विद्यालय में द्वितीय सिलावटी एकता भव्य वाहन रैली के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही है, जिसको लेकर सर्व शिक्षा अभियान जिला कार्यक्रम अधिकारी हीरालाल रेड्डी चुंडा के हाथों वाहन रैली के पोस्टर व आमंत्रण पैम्पलेट का विमोचन किया गया। रैली प्रभारी अध्यापक छगनलाल बामणिया चांदराई ने बताया कि 14 अप्रैल को रैली प्रधानाध्यापक किस्तुराराम बामणिया, व्याख्याता छोगाराम माधव, भामाशाह मूलाराम जोगसन, चांदराई सरपंच सुश्री ममता बामणिया, शंखवाली सरपंच शेषाराम गहलोत गुड़िया की मुख्य आतिथ्य में बाबा रामदेव चौक चुंडा से रवाना होगी। वही जयंती समारोह का आयोजन रोडला के ग्राम पंचायत भवन में होगा। विमोचन कार्यक्रम के दौरान कई समाज बंधु उपस्थित रहे। गर्मी को देखते हुए पंखा व पानी कैन भेंट। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती मुरतरा सिली में गर्मी के मौसम को देखते हुए नेहरू युवा मंडल अध्यक्ष जगदीश सैन ने शिव बाल उच्च प्राथमिक विद्यालय मुरतरा सिली में एक पंखा व दो ठंडे पानी के कैन भेंट किए, जिस पर विद्यालय परिवार की ओर से इनका स्वागत ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक जवाराम गर्ग, उत्तम गर्ग, दर्शित कुमार, सुरेंद्र सिंह, मनीष कुमार, हाजरा राम सहित समस्त विद्यार्थी उपस्थित थे। उनड़ी में 8वीं के विद्यार्थियों को दी विदाई। उनड़ी से समर्थाराम सुंदेशा की जानकारी के अनुसार उनड़ी गांव में 26 मार्च को सरस्वती पब्लिक स्कूल उनड़ी में 8वीं कक्षा के छात्रों को विदाई प्रदान की गई। इस दौरान बच्चों को तिलक, रोली, मोली बांधकर मुंह मीठा करवाकर शुभकामनाओं सहित विदाई दी गई। वहीं अध्यापकों व अतिथियों ने उनके उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम व उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अध्यापक मोहनलाल, मांगीलाल हरसन, दिलीप कुमार, विकास अधिकारी अचल चंद एवं ठाकुर विक्रम सिंह, इंद्र सिंह सहित कई अतिथि मौजूद थे। जीएसटी वाई बिल की कार्यशाला में क्या शंका समाधान। बागुड़ा से निर्मलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को 1 अप्रैल से प्रस्तावित ई बिल को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस दौरान जीएसटी व ई बिल में आने वाली परेशानियों का समाधान भी किया गया। पंचायत समिति में वाणिज्य कर विभाग भीनमाल की ओर से आयोजित कार्यशाला में उपायुक्त बलवत सिंह चौधरी, सहायक आयुक्त हनुमान पवार तथा पंचायत समिति प्रधान धुकाराम राजपुरोहित, विकास अधिकारी राकेश पुरोहित व स्थानीय राज्य कर अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई सहित कई अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट के माध्यम से सरलीकरण प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी देकर ई बिल में होने वाली आशंकाओं का बारीकी से समाधान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। चेन्नई क्रिकेट प्रतियोगिता में माफिया क्रिकेट क्लब विजयी। चेन्नई से बक्सिंग बागरा की रिपोर्ट के अनुसार मनानगर चेन्नई में रविवार को खेतेश्वर स्पोर्ट्स क्लब चेन्नई के तत्वावधान में लीग के फाइनल मैच एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के तहत फाइनल मैच केटी नगर के आरएमके क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित हुआ, जिसमें फाइनल मैच खेलते हुए माफिया क्रिकेट क्लब एवं दाइमा यूथ क्लब के बीच टॉस हुआ, जिसमें माफिया क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसमें उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 151 रन बनाए, जिसके जवाब में दाइमा यूथ क्लब 151 रन का पीछा करते हुए 19.3 ओवर में 10 विकेट खोकर 131 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई और माफिया क्रिकेट क्लब ने 20 रन से मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में लक्की कोठारी मैन ऑफ द मैच रहे, उन्होंने 2 ओवरों में 3 रन देकर 4 विकेट लिए। इस दौरान मैच के अंत में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता टीम को मुख्य अतिथियों द्वारा शील्ड एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर तमिलनाडु के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अब्दुल मलिक एवं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शारीरिक चुनौती टीम के खिलाड़ी जसवंत सिंह राजपुरोहित तथा आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य दर्शन सिंह शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजपुरोहित समाज के अलावा अन्य कई क्रिकेट प्रेमी शामिल हुए। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में, आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय के समाचार खबरों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।